सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स। बात करते हैं कि अगर किसी फंक्शन की इनपुट इंफिनिटी को अप्रोच करे तो उस फंक्शन की आउटपुट की लिमिट क्या होगी। इसमें हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी, लिमिट ऑफ ए ओवर एक्स हमें देखना है कि क्या होगी, वेयर ए इज एनी रियल नंबर। हम इसे एनालाइज करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ए को कंसीडर करते हैं 1, और पहले बात करते हैं कि अगर इस फंक्शन की इनपुट यानी 1 ओवर एक्स एक फंक्शन है, इसकी इनपुट अगर अप्रोच करे पॉजिटिव इंफिनिटी को तो इसकी आउटपुट की लिमिट क्या होगी। आइए न्यूमेरिकली इसे देखते हैं। जरा देखिए, हमने स्टार्ट लिया 10 से। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। हमने स्टार्ट लिया 10 से। अगर हम इस फंक्शन को इनपुट दें 10, तो आउटपुट है 0.1। 1 डिवाइडेड बाय 10 आप जानते हैं 0.1। अगर इनपुट दें हम 100, तो आउटपुट होगी 0.01। हम ग्रेजुअली जा रहे हैं पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, 10, 100, फिर 10,000 एंड देन अ वेरी वेरी बिग नंबर। यानी हमने एनालाइज करना है कि अगर हम इनपुट को एक बहुत बड़े नंबर यानी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ ले जाएं, ऑल दो इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, हम अगर इसे इंफिनिटी की तरफ ले जाएं तो आउटपुट पर क्या असर होगा। आप देखें कि पहले आउटपुट थी 0.1, फिर 0.01, देन 0.0001 एंड देन अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। व्हाट इज दिस नंबर? आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि अगर इनपुट इसी तरह बढ़ती रही तो आउटपुट का क्या हशर होगा, आउटपुट किस तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, आप इसे कह सकते हैं कि आउटपुट जीरो को अप्रोच कर रही है। सो यहां पर हम कंक्लूड करेंगे, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी जीरो। आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तब इस फंक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। जब हम 1 को -10 से डिवाइड करेंगे तो पहले की निस्बत कोई खास चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ नेगेटिव साइन अपीयर होगा। 1 को -100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.01। इसी तरह अगर हम x को बढ़ाते जाएं और माइनस इंफिनिटी की तरफ ले जाएं तो आउटपुट जो है, जरा देखिए किसको अप्रोच कर रही है। पहले आउटपुट थी 0.1, फिर 0.01 नेगेटिव में एंड सो ऑन। हम लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं। पहले केस में हम राइट साइड से जीरो की तरफ आ रहे थे, अब हम लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ आ रहे हैं। यानी इस फंक्शन की लिमिट, आउटपुट की लिमिट जीरो होगी इस केस में भी, जैसे जैसे हम इनपुट को माइनस इंफिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे। अब फर्ज करें कि यहां पर ए की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी और हो, तो फिर क्या होगा। अगर हम यहां पर 5 कर लें तो 5 के डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव में इंक्रीज करे या नेगेटिव में, इसकी आउटपुट डेफिनेटली जीरो को अप्रोच करेगी। यानी फर्ज कर लें कि ये 1 जो हमने पहला केस कंसिडर किया, ये एक केक है। अगर हम एक केक को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्संस में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम इसके बहुत छोटे छोटे हिस्से करेंगे, तो क्या होगा, किसी के हिस्से में कुछ आएगा। अगर हम कहेंगे कि किसी के हिस्से में जीरो अमाउंट आएगी, तो यह भी गलत होगा। अगर सबके हिस्से में जीरो अमाउंट आई तो फिर केक किधर गया। हम ये कहेंगे कि तकरीबन जीरो सबके हिस्से में आया। ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, दिस इज अप्रोचिंग कॉन्सेप्ट। यानी जब इनपुट पॉजिटिव इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन की आउटपुट जीरो को अप्रोच करेगी। जीरो उसकी लिमिट होगी, उसकी हद होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां कंक्लूड करते हैं कि ये आंसर जीरो होगा, ए की वैल्यू कोई भी हो। लिमिट एट इंफिनिटी का दूसरा केस,
When x approaches to positive or minus infinity, limit of a over x raised to power p will be what? ये हमें डिस्कस करना है, where a is any real number and p भी a positive rational number. यहां पर जो p है ये एक positive rational number है. इसे समझने के लिए भी एक example देखते हैं. Limit x approaches to positive infinity applied on 3 over x square. एनालाइज करते हैं इसे. हम इनपुट को यानी x को लेकर जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ग्रेजुअली, 10 से 100, 100 से 10,000 एंड सो ऑन. जरा देखिए आउटपुट पर इसका क्या इफेक्ट हुआ. पहले आउटपुट 0.03, फिर 0.0003 एंड सो ऑन. आउटपुट किस तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, आउटपुट जा रही है जीरो की तरफ. किस साइड से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? जी चूंकि ये पॉजिटिव है सो ये राइट साइड से जीरो की तरफ जा रही है. हम यहां पर आंसर लिखेंगे जीरो. माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं. इस कंडीशन में क्या होगा जरा गैस कीजिए. सेम फंक्शन है, क्या चेंज आएगा? जी सिर्फ माइनस का चेंज आएगा. हम माइनस 10 से गए माइनस 100 पर, फिर माइनस 10,000 पर एंड सो ऑन. यानी ग्रेजुअली हम जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी की तरफ. तो इसका असर आउटपुट पर क्या होगा? आउटपुट अप्रोच करेगी जीरो की तरफ. दिस इज अ नंबर दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. यानी इसका आंसर भी होगा जीरो. कंक्लूड करते हैं कि यहां पर हमें आंसर मिलेगा जीरो. अब ये भी बात करते हैं कि ये पी जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर, यहां पर कंडीशन लगाई गई. अगर ये पॉजिटिव नंबर ना हो तब क्या होगा? नेगेटिव नंबर हो तो जरा गौर कीजिए. एक्स रेज टू पावर, यही अगर यहां लिखा हो माइनस टू तो इसको हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर. इस सूरत में क्या होगा? जी इस सूरत में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी तो हमारी आउटपुट इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगी. ये केसेस फिलहाल हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई पॉजिटिव रैशनल नंबर की ताकि हमारा आंसर जो है वो जीरो को अप्रोच करे. आइए नेक्स्ट केस देखते हैं. When x approaches to positive infinity, limit of a raised to power x, where a is a positive number. Example लेते हैं इसमें. हमने a को consider किया कि वो है 2. a कोई भी number हो सकता है जो कि greater हो 1 से. हमने consider किया 2. x approach करेगा positive infinity को. देखते हैं इसका effect क्या होगा. कैलकुलेटर की मदद से हमने ये टेबल बनाया. x की वैल्यू जब 2 होगी तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू जब 3 होगी तो 2 का क्यूब 8 एंड सो ऑन. हम जा रहे हैं ग्रेजुअली पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ. जब 2 की पावर 50 होगी तो जरा आउटपुट देखिए क्या है. इसी तरह जब आप इनपुट को बढ़ाते चले जाएंगे पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे तो आउटपुट किधर जाएगी? आपको इसका ट्रेंड समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, आउटपुट भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी. इसी से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं. व्हेन एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इंफिनिटी लिमिट ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विल बी पॉजिटिव इंफिनिटी. और ई आप जानते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू भी चूंकि 1 से ग्रेटर है सो ये रिजल्ट बहुत कॉमनली यूज किया जाएगा एक्सरसाइज के अंदर. दूसरी एग्जांपल देखते हैं. व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, ए की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की. जब एक्स अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को तो इसका इफेक्ट देखते हैं ये टेबल. यहां पर जब 2 की पावर माइनस 2 होगी तो आउटपुट होगी 0.25. जरा देखिए 2 की पावर माइनस 2 से मुराद क्या है.
1/4, सो इसका आंसर होगा 0.25। इसी तरह जब 2^-3 होगी तो आउटपुट होगी 0.125। जैसे जैसे हमारी इनपुट माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, हम यहां पर सिर्फ -20 तक देख रहे हैं, तो जरा देखिए रिजल्ट क्या हुआ। जैसे जैसे हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, ये नंबर, ये आउटपुट जीरो के और क्लोज जाएगी, जीरो के और नजदीक जाएगी। सो इस फंक्शन के लिए आंसर होगा जीरो, यानी इस फंक्शन के लिए जब एक्स अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को, तो 2^x की लिमिट होगी जीरो, यहां पर भी जीरो लिखा जाएगा। जबकि यहां पर हम कंक्लूड करके आगे चलते हैं, इट इज पॉजिटिव इंफिनिटी। अब नेक्स्ट केस में बात करते हैं कि अगर a की वैल्यू इन बिटवीन हो जीरो और वन के, अगर a की वैल्यू जीरो और वन के बिटवीन हो तब क्या होगा। इसमें हमने केस लिया 0.5, एक ऐसा नंबर जो कि जीरो और वन के बिटवीन है, इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता था, हमने 0.5 कंसिडर किया। पहले हम बात करते हैं कि अगर x को अप्रोच करे पॉजिटिव इंफिनिटी को, 0.5 का मतलब आसान लफ्जों में है 1/2। अब जरा देखिए 1/2 की पावर जब 2 होगी तो इसका मतलब है 1/4, दैट इज 0.25। जब 1/2 की पावर 3 होगी तो आउटपुट होगी 0.125। जैसे जैसे इनपुट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है, हमारी आउटपुट जरा देखिए, पहले 0.25, फिर 0.125 एंड सो ऑन, ये नंबर स्मॉलर होता चला जा रहा है, ये नंबर जीरो के नजदीक जा रहा है। सो इस फंक्शन की लिमिट होगी जीरो। और दूसरे केस में डिस्कस करते हैं, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, वही फंक्शन, इस दफा जरा गौर कीजिए, 0.5 को हम लिखते हैं 1/2, इसकी पावर जब -2 होगी तो इससे क्या मुराद होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये होगा 2 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, यानी अगर आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लें तो उसकी पावर अपना साइन चेंज करती है, इसका आंसर होगा 4। इसी तरह जब 1/2 की पावर हम लेंगे -3 तो आउटपुट होगी 8। और जैसे जैसे हम इनपुट को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे, हम फिलहाल सिर्फ -20 तक गए हैं, तो जरा आउटपुट का हशर देखें कि क्या हुआ। आउटपुट 4 से 8, 8 से 32, 32 से 1024, और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर। हम किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी यहां पर रिजल्ट हासिल होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन तमाम रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, ये हमें लिमिट प्रॉब्लम्स में काम आएंगे। मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी, जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जांपल्स हैं, इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 ऑन पेज नंबर 22। ये एक फंक्शन, इस फंक्शन के लिए x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो हमें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का सामना होगा, और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एक टाइप है। सो हमें क्या करना होगा, आइए डिस्कस करते हैं। इन दिस केस वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर by the x having highest power of x that appears in the denominator। हम ये देखेंगे कि denominator में x की highest power क्या है। यहां पर जरा देखिए, ये है cube। हम numerator और denominator को x cube से divide कर देंगे। ये भी ख्याल रखिएगा कि x की value positive हो। अगर x की value negative होगी तो हम फिर माइनस एक्स होल क्यूब से डिवाइड करेंगे। यहां पर चूंकि एक्स अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी को, सो हम पॉजिटिव एक्स होल क्यूब से डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, कुछ इस तरह से। हमने एक्स क्यूब से डिवाइड किया
न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की तमाम टर्म्स को, 5x रेज टू द पावर 4 को जब x क्यूब से डिवाइड किया गया तो हमें हासिल हुआ 5x, 10x स्क्वायर को x क्यूब से डिवाइड करने से हासिल हुआ 10 ओवर x, और 1 को जब डिवाइड किया x क्यूब से तो हमें हासिल हुआ 1 ओवर x क्यूब। डिनोमिनेटर में -3x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड किया तो -3 हासिल हुआ, 10x स्क्वायर को x क्यूब से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ 10 ओवर x, और 50 को जब x क्यूब से डिवाइड किया तो हमें मिला 50 ओवर x क्यूब। अब ये लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी x को अप्रोच करवाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। x जब अप्रोच किया पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो इन्फिनिटी इंटू 5 इज इन्फिनिटी। यहां पर जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो हमें हासिल हुआ 0, यहां पर भी हमें हासिल हुआ 0। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म -3, यहां पर जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आप जानते हैं इस किस्म के केस में हमें हासिल होता है 0, और 50 ओवर x क्यूब यहां पर जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो अगेन हमें हासिल होगा 0। फाइनल आंसर हमें हासिल हुआ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय -3, दैट इज इन्फिनिटी। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये उसी तरह का प्रॉब्लम, यहां पर x अप्रोच कर रहा है -∞ को, वही लॉजिक। आप देखेंगे डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर, और यहां पर क्या है जी, यहां पर है पावर 5, यानी आप x रेस टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि क्या x पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहां पर x अप्रोच कर रहा है -∞ को, तो हम -x रेस टू पावर 5 से डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये है -x रेस टू पावर 5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सिंस x इज नेगेटिव, एज x इज गोइंग टुवर्ड्स -∞, सो डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय -x रेस टू द पावर 5, दैट इज -x रेस टू द पावर 5। 4x रेज टू पावर 4 को जब -x रेज टू पावर 5 से डिवाइड किया गया तो हमें हासिल हुआ -4 ओवर x। -5x क्यूब को जब डिवाइड किया गया -x रेज टू पावर 5 से तो हमें हासिल हुआ पॉजिटिव 5 ओवर x स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3x5 को जब डिवाइड किया गया -x रेज टू पावर 5 से तो हमें हासिल हुआ -3। 2x स्क्वायर को डिवाइड किया गया इस तरह से -x रेज टू पावर 5 से, तो ये स्क्वायर ने कैंसिल किया यहां पर 5 को और यहां हमें मिली पावर 3, हमें हासिल हुआ -2 ओवर x क्यूब। और 1 को डिवाइड किया हमने -x रेज टू पावर 5 से, हमें हासिल हुई ये टर्म -1 ओवर x रेज टू पावर 5। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट है x अप्रोचेस टू -∞। जब यहां पर x अप्रोच किया इन्फिनिटी को तो हमें हासिल हुआ 0, यहां पर भी जब x अप्रोच किया -∞ को तो हासिल हुआ 0। डिनोमिनेटर में -3, -2 डिवाइडेड बाय -∞, यानी x जब अप्रोच करेगा -∞ को तो हमें हासिल होगा 0, अगेन 0। सो 0 डिवाइडेड बाय -3 विल बी 0। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स, सिर्फ डिफरेंस यह है कि यहां पर x अप्रोच कर रहा है -∞ को और यहां पर +∞ को। यहां पर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है जी, यहां पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी, सो यहां पर पावर 1 कंसिडर होगी। फर्स्ट केस में x नेगेटिव है, सो हम डिवाइड करेंगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -x से। तो आइए डिवाइड करते हैं। 2 को हमने -x से डिवाइड किया, हमें हासिल हुआ -2 ओवर x, और -3x को जब हमने -x से डिवाइड किया तो माइनस माइनस हुआ प्लस, x x से कैंसिल हुआ, हमें हासिल हुआ +3। अब जरा डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था। अगर हमें -x से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है तो हमें इसे स्क्वायर रूट में भेजने के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों इस तरह से लिखने होंगे ताकि ये स्क्वायर रूट के अंदर एंटर हो सके।
यानी हम माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी एक्स स्क्वायर, यानी हम डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर को जब हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ 4। अब करेंगे हम लिमिट अप्लाई। लिमिट अप्लाई करने से यहां पर हमें हासिल हुआ 0 और 3 ओवर एक्स स्क्वायर पर लिमिट अप्लाई करने से भी हासिल हुआ 0। न्यूमिरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, यानी फाइनल आंसर हमारा है 3/2। दूसरा केस देखते हैं जब x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इंफिनिटी को। यहां पर हम डिवाइड करेंगे सिंपल x से, न्यूमिरेटर में सिंपल x से और डिनोमिनेटर में चूंकि स्क्वायर रूट है सो स्क्वायर रूट में x से डिवाइड करने के लिए हम x पर एक स्क्वायर प्लेस करेंगे और स्क्वायर रूट। सेम सिचुएशन, 2 को डिवाइड किया हमने x से, -3x को जब x से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ -3। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर डिवीजन करने के लिए हमने x के ऊपर स्क्वायर प्लेस किया और स्क्वायर रूट। 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ 4। लिमिट अप्लाई की गई, जब 2 ओवर x पर लिमिट अप्लाई की गई x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हासिल हुआ 0 और यहां पर हमें हासिल हुआ अगेन 0। फाइनल आंसर इज -3/4, दैट इज 2। यहां पर आंसर था 3/2 जबकि यहां पर -3/2। हमने डिस्कस किया कि अगर वेरिएबल पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इंफिनिटी को तो फंक्शंस का बिहेवियर क्या होगा। आइए अब बात करते हैं कि अगर वेरिएबल अप्रोच करे 0 को तो फंक्शंस का बिहेवियर क्या होगा। फंक्शन है हमारे पास a ओवर x। अगर यहां पर x अप्रोच करे 0 को तो लिमिट ऑफ a ओवर x क्या होगी। x ने जाना है 0 की तरफ, तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि x अभी कहां पर है, क्योंकि 0 आप जानते हैं कि रियल लाइन में बिल्कुल दरमियान में आता है। 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स। अब x अभी कहां पर है, 0 के राइट साइड पर है या 0 के लेफ्ट साइड पर है, x अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पहला प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये कि a क्या है, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलिए हम फर्ज करते हैं पहले ये दो कंडीशंस। हम फर्ज करते हैं कि a पॉजिटिव है यानी एक पॉजिटिव नंबर, और x भी पॉजिटिव है यानी x रियल लाइन पर राइट साइड पर मौजूद है 0 के, और ये ग्रेजुअली 0 की तरफ जाएगा। और दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि a भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, यानी न्यूमिरेटर भी नेगेटिव है और x लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो चलिए पहला केस डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1/x। 1/x एक फंक्शन, ये a की वैल्यू दैट इज पॉजिटिव और x अप्रोच करेगा 0 को, और हम फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं यानी x राइट साइड से अप्रोच करेगा 0 को। आइए एनालाइज करते हैं इसे एक टेबल के जरिए। ये हमारी इनपुट और ये है आउटपुट। जब x की वैल्यू 0.1 होगी यानी हम 0 की तरफ जाना शुरू करेंगे और हम सबसे पहले आए हैं 0.1 पर, तो इस फंक्शन की आउटपुट होगी 10। हम मजीद 0 की तरफ आए यानी हम आ गए 0.01 पे, तो इस फंक्शन की आउटपुट होगी 100। हम 0 के और नजदीक आ गए, राइट साइड पर 0 के और नजदीक आ गए, दैट इज 0.0001, फंक्शन की आउटपुट होगी 10,000। हम बहुत ज्यादा 0 के नजदीक आ गए, आप देख सकते हैं कि यह नंबर एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन 0 के बहुत नजदीक है, फंक्शन की आउटपुट एक बहुत बड़ी आउटपुट। अब जरा गौर कीजिए कि अगर हम इसी तरह 0 के नजदीक आते रहे, 0.0000 क्यामत तक 00 लिखकर अगर हमने 1 इनपुट दी
तो फंक्शन की आउटपुट क्या होगी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जरा देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी इस फंक्शन की आउटपुट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। व्हेन एक्स विल अप्रोच टू जीरो, लिमिट ऑफ वन ओवर एक्स विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। आइए अब एग्जांपल लेते हैं दूसरे केस के लिए, जब ए भी नेगेटिव हो और एक्स भी नेगेटिव हो और एक्स अप्रोच करे जीरो को। हमने ए की वैल्यू यहां पर कंसिडर कर ली -2। अब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को लेकिन लेफ्ट साइड से, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ये लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करेगा। टेबल के जरिए एनालाइज करते हैं। लेफ्ट साइड से हम जीरो की तरफ बढ़े, हम पहले रुके -0.1 पे। अगर आप इस फंक्शन को इनपुट देंगे -0.1 तो इसकी आउटपुट होगी 20। हमने इसे इनपुट दी -0.01, यानी हम लेफ्ट साइड से जीरो के और नजदीक आ गए। हमें आउटपुट मिली 200। हमने इनपुट दी -0.0001, हमारी आउटपुट और बढ़ी 20,000। हम जीरो के बहुत नजदीक आ गए, हमारी आउटपुट एक बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। अब जरा इस पैटर्न को आप देखकर गौर कीजिए कि क्या होगा जब एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, यानी हम जैसे जैसे जीरो के नजदीक चले जाएंगे नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से, तो आउटपुट का बिहेवियर क्या होगा। जी बिल्कुल, हमारी आउटपुट अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को। व्हेन एक्स विल अप्रोच टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, -2/x की लिमिट होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी हम कंक्लूड करते हैं कि अगर a और x दोनों पॉजिटिव हों और x अप्रोच करे जीरो को ऐसे रैशनल फंक्शन के लिए, तो इसकी आउटपुट अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को। और दूसरी सूरत में भी जब a और x नेगेटिव हों और x अप्रोच करे जीरो को, तब भी आउटपुट पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं, जब a और x अपोजिट साइंस के साथ हों, यानी फर्स्ट केस अगर a पॉजिटिव हो और x नेगेटिव हो, और दूसरा केस अगर a नेगेटिव हो और x पॉजिटिव हो। एग्जांपल लेते हैं, यहां पर a की वैल्यू पॉजिटिव और x है नेगेटिव। x लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करेगा। टेबल के जरिए देखते हैं, x की वैल्यू हुई -0.1, फंक्शन की आउटपुट होगी -10। अगर इनपुट होगी -0.01, आउटपुट होगी -100। अगर इनपुट होगी -0.0001, आउटपुट होगी -10,000। आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे, हमारी आउटपुट न्यूमेरिकली तो बढ़ती जाएगी, लेकिन साथ नेगेटिव होने की वजह से हम जा रहे हैं किस तरफ। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यानी 1/x के लिए अगर x अप्रोच करे जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहां पर हम माइनस साइन प्लेस करेंगे जो ये शो करेगा कि हम लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हमारी आउटपुट होगी माइनस इन्फिनिटी, यानी हमारी आउटपुट की लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी। आइए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब a नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा। हमने a को किया नेगेटिव, अब x राइट साइड से जीरो को अप्रोच करेगा, यानी हम यहां पर प्लेस करते हैं पॉजिटिव साइन। इसका मतलब है x इज अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम राइट साइड। हम x को अप्रोच करेंगे जीरो को, हम पहले आए 0.1 पर, हमने 0.1 इनपुट दी, तो -2/x की आउटपुट होगी -20। हम जीरो के और नजदीक आए, हम आ गए 0.01 पे, आउटपुट मिली -200। हम और जीरो के नजदीक चले गए, आउटपुट हमारी न्यूमेरिकली इंक्रीज हुई, लेकिन चूंकि साथ नेगेटिव साइन है सो आउटपुट है -20,000। हम जीरो के मजीद नजदीक गए, हमारी आउटपुट न्यूमेरिकली बढ़ी, लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन है, आप इस पैटर्न को जरा देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस दफा भी जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ।
यानी अगर न्यूमिरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर राइट साइड से जीरो को अप्रोच करे, तो हमारी आउटपुट अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी को। इन दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट निकला माइनस इंफिनिटी। आइए अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके सामने इसके दो पार्ट्स हैं, 10th और 11th। आप जरा देखिए इन दोनों की स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। दोनों में x अप्रोच कर रहा है जीरो को, और ये फंक्शन दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, और हम अप्रोच कर रहे हैं दोनों सूरतों में जीरो की तरफ। यानी ये टेंथ पार्ट हमें यह बताता है कि हम लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हम नेगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। x नेगेटिव है, x इज लेस देन जीरो, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड। और यहां पर x पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हम अप्रोच कर रहे हैं जीरो को फ्रॉम राइट साइड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले बात करते हैं टेंथ पार्ट की। हमारे पास यहां पर गिवन है e की पावर 1 ओवर x। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहां पर x अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 1 ओवर x का बिहेवियर क्या होगा, 1 ओवर x के लिए लिमिट क्या होगी। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर x अप्रोच करेगा जीरो को फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आउटपुट होगी 1 ओवर x की माइनस इंफिनिटी एज x इज नेगेटिव। अब जब माइनस इंफिनिटी आउटपुट होगी 1 ओवर x की, तो e की पावर अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी को। जब e की पावर अप्रोच करेगी माइनस इंफिनिटी को, तो e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, ये क्या रिजल्ट निकलेगा जी? आप जरा रिकॉल करें, हम डिस्कस कर चुके हैं जी। बिल्कुल, e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी रिजल्ट होगा जीरो। यानी अगर x अप्रोच करे माइनस इंफिनिटी को, तो e रेज टू पावर x की लिमिट होगी जीरो। इसका मतलब है कि इस फंक्शन के लिए व्हेन x विल अप्रोच टू जीरो, e रेज टू पावर 1 ओवर x विल अप्रोच टू जीरो। सो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 इज 1, द रिजल्ट इज माइनस 1। अब देखते हैं सेकेंड सॉल्यूशन, दैट इज 11th पार्ट। यहां पर गौर कीजिए अगेन, जब 1 ओवर x में x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम राइट साइड, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 ओवर x की लिमिट क्या होगी। हमने अभी डिस्कस किया, जब x अप्रोच करेगा 0 को राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से, तो 1 ओवर x की लिमिट होगी पॉजिटिव इंफिनिटी। अब जब e के लिए पावर अप्रोच करेगी पॉजिटिव इंफिनिटी को, तो आउटपुट क्या होगी, e की पावर जब पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, तो हमारी आउटपुट भी अप्रोच करेगी पॉजिटिव इंफिनिटी को। अब हमें यहां पर कुछ इस किस्म की सिचुएशन का सामना होगा, इंफिनिटी माइनस वन ओवर इंफिनिटी प्लस वन, ये हमें सामना है जी। बिल्कुल, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी का, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमें इससे जान छुड़ाना है। क्या करें, चले मैं आपको बताता हूं। याद रहे ये दो फैक्ट्स जिनको हम यूज कर रहे हैं। हम e रेस्ट पावर 1 ओवर x कॉमन निकाल रहे हैं, न्यूमिरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। e रेस्ट पावर 1 ओवर x कॉमन निकालेंगे, वैसे यहां पर आया 1, और यहां पर हमने 1 को डिवाइड कर दिया e रेस्ट पावर 1 ओवर x से। डिनोमिनेटर में भी यही हुआ, इस पोजीशन पर आ गया 1, और 1 के लिए हमने डिवाइड कर दिया e रेस्ट पावर 1 ओवर x से। ये दोनों कैंसिल हुए,
अब यही x अप्रोच जब करेगा 0 को, अब क्या होगा? 1 ओवर x ये अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को. e की पावर जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आउटपुट अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को. और 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी यानी 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो आंसर हासिल होगा 0. कुछ इस तरह से. दोबारा एक दफा देखिए, जब x अप्रोच करेगा 0 को तो 1 ओवर x की लिमिट होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी. चूंकि x पॉजिटिव है, राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x अप्रोच करेगा 0 को तो 1 ओवर x की लिमिट होगी पॉजिटिव इन्फिनिटी. e की पावर जब अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो आउटपुट अप्रोच करेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी को. 1 जब डिवाइड होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी से यानी डिनोमिनेटर जब अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को 1 के लिए, तो आउटपुट 0 आएगी. यानी हमें हासिल होगा 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0. इन दोनों लोकेशंस पर हमें 0 हासिल होगा. फाइनल आंसर हमें मिला 1. इन दोनों प्रॉब्लम्स में बेसिक डिफरेंस क्या था? एक में x अप्रोच कर रहा था राइट साइड से 0 को और एक में लेफ्ट साइड से 0 को. यानी अगर हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में तो एक राइट लिमिट का क्वेश्चन था और एक लेफ्ट लिमिट का क्वेश्चन था. ये जो आपके सामने अभी सॉल्यूशन मौजूद है, इसमें हम राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे थे. ये राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की 0 के लिए. फॉर x अप्रोचेस टू 0, यहां पर हमें आंसर मिला 1. और लास्ट जो हमने सॉल्यूशन किया वो लेफ्ट हैंड लिमिट का प्रॉब्लम था. वहां पर x अप्रोच कर रहा था 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0, वहां पर हमें आंसर मिला था -1. अब जब राइट हैंड लिमिट है हमारे पास 1, लेफ्ट हैंड लिमिट थी -1, तो इससे क्या कंक्लूजन हुआ? जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इस फंक्शन के लिए x अप्रोचेस टू 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों लिमिट्स के आंसर्स अनइक्वल हैं. यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ.